अगर आप जैवलिन थ्रोअर नहीं होते तो क्या करते लाइफ में? कुछ नहीं करता जी, गांव में भैंसों को डंडे मारता और तो कुछ नहीं। और जब अब आपके पिताजी सब मुझे बता रहे थे कि मैं तो बेटर को फॉलो करता हूँ, मैं रोलर का रिकॉर्ड बताता हूँ। अरे कहाँ का फॉलो करते हैं, वो कुछ चलाते नहीं है, नेट वगैरह चलाते हैं। अंकल बोल रहे होंगे, अंकल बोल रहे होंगे। ओके, मेबी इज नॉट अपडेटेड। शाहरुख खान या ईशान शर्मा, आपकी हेयर स्टाइल की इंस्पिरेशन कौन है? कोई नहीं जी, मैं खुद ही अपने आप ही बदलम भी रखता हूँ। गाय और भैंस से वो भी परेशान थे क्यों? गाय भैंस तो जी देखो, हो जाता था ऐसा काम बचपन में, अभी अभी पता लगता है। वो गांठ वगैरह मार दी उनकी, पुंजड़ होती है जो, ऐसे पकड़ता था और ऐसे कर देता था मेरे पापा का भी तंग से कि यार कौन करता है ये काम। तो मेरे से पूछा एक बार कि भाई नीरज यार ये तुझे ये करना आता है, गांठ मारनी आती है? मखा हाँ जी। देखो मैंने वो उसको ऐसे करके उसमें से निकाल के उस भैंस के ऐसे टांग पे पैर रख के ऐसे मारा झटका, पीछे से मेरे पापा ने मारा मेरा थप्पड़। मखा यार यही है वो। तो फिर उस टाइम काफ़ी पिटा था मैं। हीरोइन के साथ डेट पे जाना चाहेंगे तो कौन सा है? से यार ये लोग देखते हैं स्विमर्स स्विमर्स वगैरह अपने बाल कटवा लेते हो, गंजे हो जाते हैं क्योंकि उनमें पानी में रेजिस्टेंस कम होता है। आप जब जैवलिन फेंकते हैं, भागते हैं, एक्शन में रनअप में, आपको इससे कुछ, मुझे नहीं लगता कुछ फायदा लगता? नहीं फायदा तो कुछ नहीं होता सर, पर नुकसान भी नहीं है। जैसे अगर हम वैसे ट्रेनिंग करते हैं थोड़ा बहुत, जैसे जंप वगैरह होते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम करते हैं, पर उसमें मैं कैप वगैरह लगा लेता हूँ। Okay, 5 seconds, 5 seconds. तो मैं आपसे आपके कोच पुराने कोच से बात कर रहा था, गैरी से, मैंने एक सवाल पूछा था कि उनको क्या करना चाहिए इस समय, तो उन्होंने बोला सबसे पहले बाल कटवाने। अरे वो मजाक में बोलते हैं, सभी कोचेज जो मेरे कोच है तो बोलते हैं कि भाई इनको कटवा ले, आधा तो बोझ तो ऐसे सिर पे उठाए घूम रहा है। तो कटवाएंगे जी, अभी काफी लोगों ने बोल दिया तो मैं भी सोच रहा हूँ अभी कटवाने की। अगर ओलंपिक्स में भी जाएंगे तो आपका कोई रिलेटिव नहीं होगा उसको, वो क्या है, वो उससे फर्क पड़ता है क्या? वैसे तो रिलेटिव तो कहीं भी नहीं गए आज तक मेरे, नेशनल वगैरह में आते हैं कई बार तो वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही देखे, मतलब अगर फैमिली मेंबर मुझे दिख जाता कंपटीशन में, वो फीलिंग्स ही नहीं रहती जो एक असली उसमें होती है, कहीं ना कहीं मतलब वही ऐसा लगता है जैसे घर पे ही बैठा हूँ मैं। तो मैं कोशिश करता हूँ जैसे कोई भी देखने आता है ना, तो आप अगर देख भी रहे हो ना तो ऐसी जगह बैठना कि मुझे ना दिखो, कहीं कोने में बैठ के देख लेना। नहीं मुझे मैंने आपके एक सिगरेट का भी पता चला है कि आप जब दोस्तों के साथ हो तो एक दो बार रागनी गुनगुना भी दो, तो थोड़ी सी अगर गुनगुना पाओ तो ना जी सर। नहीं अब वो तो मतलब वहाँ ऐसा कुछ नहीं, कैमरा बैठे हैं तो कुछ ना कुछ वो अपने आप नेचुरल वाला चीज होया करे जी। मैं सिंगर इतना बढ़िया नहीं हूँ कि भाई आप एकदम कत है मैं उस चीज ने कर दूँ, तो उस चीज में मुश्किल हो जी, वो थोड़ा हावे खातर मुश्किल हो जाए। सुना था कि एक बार आपने घर जला दिया था और एक बार ऐसी पढ़ाई करने का मन नहीं किया तो आपने बैग उसमें फेंक दिया था। देखो वो गांव में मिलता था एक, जैसे कपड़े का बैग सिलते थे, तो मेरे दादी ने सील के तो मेरे दादी जी ने मैं भेज दिया कि भाई आज तो स्कूल में जा रहा है, और मैंने क्या किया मैं घर से बाहर निकलते मेरा मूड चेंज हो गया, तो मैंने हमारे गांव में कुआं होता था जैसे पानी जिसमें निकालते हैं, तो कुएं में मैंने वो बैग फेंक दिया और अपना खेलने लगा वहाँ पे। तो एक मेरी दादी की जैसे आ रही थी वहाँ, पड़ोसन थी, तो मेरी दादी से आगे बोली कि आज तो काफ़ी खुश लग रही है, बोली कि आज मेरा पोता स्कूल में गया है। बोला कहाँ स्कूल में गया, वो वहाँ खेल रहा है। तो मेरी दादी ने उस दिन बहुत पीटा था मुझे।